सर क्या नाम है आपका? मेरा भरत प्रसाद डेंजर नाम है। आज यहाँ सर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है? यहाँ विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन 30 तारीख को नोएडा प्राधिकरण के गेट पर है। उस विरोध प्रदर्शन की तैयारी के लिए आज शिमला पार्क में हम आम सभा का आयोजन किए हैं और आज किस तरह से नोएडा प्राधिकरण की घेराबंदी करेंगे इस पर आज पूरा हमारा कार्यक्रम तय होगा, हमारी रणनीतियां तय होगी और इस रणनीति के हिसाब से हम नोएडा प्राधिकरण को ऐसे घेरेंगे कि जब तक हमारी बात को मानी नहीं जाएगी, हमारी सुनवाई नहीं होगी, तब तक हम नोएडा प्राधिकरण को हिलने नहीं देंगे। क्या मांगे हैं आपकी? ये जब से लोकसभा का चुनाव हुआ है और चुनाव के बाद जब से नई सीओ आई है, तब से पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में जो गरीब मेहनतकश और ईमानदार लोग अपनी मेहनत के बदौलत अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, जो देश के ऊपर बोझ नहीं है, जो किसानों के उपजाए हुए फसल को बाजार तक आसानी से पहुंचाते हैं, सस्ता और सुगम पहुंचाते हैं, गरीब लोगों को पेट भरने का काम करते हैं, जिन कारखानों में न्यूनतम मजदूरी तक नहीं मिलती, उन मजदूरों को सुबह और दोपहर और शाम का सस्ते दर पे खाना मुहैया कराते हैं, इन लोगों के रोजगार पर हमले हो रहे हैं, जो प्राधिकरण कर रहा है, इस प्राधिकरण का मुंहतोड़ जवाब देने की रणनीति आज तैयार की जाएगी और प्राधिकरण को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। आज आपकी मांगे पूरी नहीं होती, क्या कदम रहेगा आपका? 30 तारीख को फिर जैसा प्राधिकरण के तरफ से जैसा कार्रवाई की जाएगी हमारे मांग के ऊपर, फिर हम उससे आगे की रणनीति तय करेंगे कि अब हमें आगे क्या करना है, क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए रोटी चाहिए और रोटी कहाँ से आती है? मेहनत करके, काम करके। जब काम ही करने नहीं दिया जाएगा, हमें कमाने ही नहीं दिया जाएगा, तो हम कहाँ से खाएंगे? हमारे बच्चे कहाँ से पलेंगे? कम से कम नहीं तो 70-80 हजार लोग डायरेक्ट इस धंधे में लगे हुए हैं पूरे गौतम बुद्ध नगर में और सबके रोटी रोटी पर आफत मची पड़ी है और बिल्कुल सारे लोग परेशान हैं, सबके बच्चों के घर में भुखमरी की कगार पर पहुंचे हुए हैं, बच्चों का स्कूल का फीस देना मुश्किल हो गया है।